नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पायरेसी को लेकर मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, सिनेमेटोग्राफी बिल 2023 को दी मंजूरी, फिल्म जगत को मिलेगा लाभ। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट, सीएम बसवराज मुंबई के सामने बदला उम्मीदवार, पठान को चुनावी मैदान में उतारा। मुकुल रॉय के डॉक्टरों ने बताई उन्हें ये बीमारी है, बेटे शुभांशु ने भी किया दावा, मेरे पिता बहुत ज्यादा बीमार हैं। दिल्ली सरकार का प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन, महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस पर भेजा शो कॉज नोटिस। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मिली सचिन पायलट और नवजोत सिद्धू को जगह, कर्नाटक में नाम गायब, जालंधर में मिली जगह। सीएम ममता बनर्जी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को किया फोन, तमिलनाडु विधानसभा से पारित विधेयक का समर्थन किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे शशि थरूर, कहा राजनीतिक दायरे से परे होने चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह बोले ड्रग्स तस्कर असली गुनहगार, जबकि जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं वे पीड़ित हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब तेजस्वी सूर्या का नाम, कांग्रेस ने तेजस्वी को नफरती चिंटू कहा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम के वेंकैया नायडू का बड़ा बयान, कहा नेताओं को गाली देने के बजाय लोगों के कल्याण के बारे में बोलना चाहिए। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ को जेल में अंगूठी पहनने की अनुमति कैसे दी, सीबीआई कोर्ट ने जेल अधीक्षक को किया तलब। सेना कमांडरों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह का सख्त संदेश, एलएसी पर स्थित तनावपूर्ण, इसलिए सेना को सतर्क रहने की सख्त जरूरत। मां कामाख्या कॉरिडोर की पहली झलक, सीएम हेमंत ने डिजिटल ब्लूप्रिंट जारी किया, पीएम ने कहा था काशी और महाकाल जैसा बनेगा कॉरिडोर। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छठी और आखिरी लिस्ट जारी की, रायचूर सीट से मोहम्मद सलाम को मैदान में उतारा। अमित मालवीय का राहुल गांधी पर तंज, मोहब्बत की दुकान लगाने वाले कांग्रेस नेता की अमेठी में इज्जत नीलाम हो रही है। यूपी निकाय चुनाव में जीत के लिए सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को दिया टिप्स, बोले असहमति में निकाले सहमति का रास्ता। अखिलेश यादव ने फिर साधा भाजपा पर निशाना, बोले ध्यान भटकाने के लिए भाजपा उछाल रही है नए नए मुद्दे। कांग्रेस में अंतर्कलह बरकरार, प्रदेश महामंत्री बिट्टू पार्टी से निष्कासित, सामने आ रहे मतभेद। अतीक की कब्र पर कांग्रेस नेता ने रखा तिरंगा, सैल्यूट कर बोला भारत रत्न दिलाऊंगा, पार्टी ने निकाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीलीभीत में सपा नेता की पोस्ट, लिखा सपा को बेचने में जुटे जिलाध्यक्ष, खुद को बताया टिकट बिक्री का प्रत्यक्षदर्शी।
एयू में प्रोफेसर की छत से अभद्रता, पहले अपशब्द कहे फिर टॉर्चर किया, दबाव बढ़ा तो कान पकड़ कर मांगी माफी, बोले बीपी बढ़ गया था। चूहे के बाद अब कुत्ते का पोस्टमार्टम, पीलीभीत में पड़ोसी ने गोली मारकर की हत्या, मालकिन बोली सीनू को बच्चे की तरह पाला। गोंडा में सगी बहनों की गला घोटकर हत्या, साड़ी के फंदे से कसा मिला दोनों का गला, एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। आगरा में पुलिस कर्मियों पर किशोर को पीटने का आरोप, चौकी पर सब्जी लाने से मना करने पर पीटा गया, ग्रामीणों ने चौकी घेरी है। लखनऊ में लुटेरे से भिड़ी बहादुर महिला, तमंचा दिखाने पर भी नहीं हटी पीछे, दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की। मेरठ कैंट से फर्जी मेजर गिरफ्तार, सेना में नौकरी के नाम पर करता था ठगी, आर्मी इंटेलिजेंस जांच में जुटी। मिनी ट्रक पर खड़े होकर दो युवकों ने लहराया तलवार, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर एक को तलवार सहित किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए टीम गठित, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने किया मंथन। अमरोहा में विधवा महिला की गर्भपात के दौरान मौत, पंचायत ने आरोपी प्रेमी पर लगाया 1,00,000 का जुर्माना। उन्नाव में अज्ञात कारणों से खेत में लगी आग, 20 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरोहा में डिवाइडर की रेलिंग से टकराई रोडवेज बस, 12 से ज्यादा यात्रियों को आई चोटें, दिल्ली से मुरादाबाद जा रही थी बस। उन्नाव ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, शव की हुई पहचान, किराए का कमरा लेकर रहता था युवक। बदायूं में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, दो घायल, ईंट भट्टे के पास हुआ हादसा। मास विकेत्रा की हत्या करने में दो सगे भाइयों को उम्र कैद, 53 दिन पर 1,000 का जुर्माना भी लगाया गया। मेरठ में गुरुग्राम की टीम ने छापेमारी की, नेबिया, कोस्को और विक्की के बनाए जा रहे थे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, एक आरोप को पकड़ा। उन्नाव में आगजनी में झुलसे दोनों बच्चों की हालत बिगड़ी, उर्सला कानपुर से केजीएमयू, लखनऊ रेफर, पुलिस ने चाचा को गिरफ्तार किया। मेरठ में लुंगी पहनकर एनसीपी प्रत्याशी ने किया नामांकन, काला चश्मा, सिर पर टोपी लगाकर पहुंचे शकील अहमद। शामली में दो बच्चे अपहरण कर लिए गए, मात्र 7 घंटों में पुलिस ने किया बरामद, आरोपी भी गिरफ्तार। रायबरेली में शारदा नहर में बहता दिखा शव, अफरा तफरी का माहौल, पुलिस शव को बाहर निकालने का कर रही है प्रयास। हापुड़ में हत्यारे पति को 7 साल की जेल, 15,000 रुपए लगा जुर्माना, 7 साल पहले दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारा था। ललितपुर में ट्रैक्टर ट्राली सवारियों से भरी टैक्सी में भिड़ी टैक्सी सवार, 12 से अधिक लोग हुए घायल।
सुल्तानपुर में राज होटल संचालक को जारी नोटिस, मानक के विपरीत कराया कंस्ट्रक्शन, ना लिया एनओसी और ना ही पास कराया नक्शा। गाजीपुर में कोरोना संक्रमित महिला इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, वाराणसी में चल रहा था इलाज, जिले में दो एक्टिव के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। फ्लैट में लटका मिला युवक का शव, लखनऊ में गोयल अपार्टमेंट में बाराबंकी से आकर रुका था, गर्दन से बह रहा था खून। किशोरी से दुष्कर्म करने पर मिली 10 साल की सजा, सहारनपुर में 2018 में दर्ज हुआ था पॉक्सो एक्ट में मुकदमा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाम में विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, नाराज विपक्ष ने कसा तंज। अतीक हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार की बढ़ाई गई सुरक्षा, पौड़ी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। उत्तराखंड के धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 679 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल बनेंगे उत्कृष्ट। केदारनाथ धाम के लिए सेवादार सदस्यों के दल रवाना, सेवादार सदस्यों दल को मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री धामी ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ का, डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय लिया। कृषि और उद्यान को लेकर धामी का बड़ा बयान, बोले सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड को 18,000 पॉली हाउस की स्थापना के लिए 280 करोड़ की दी गई स्वीकृति, 35 करोड़ की योजना को भी किया गया प्रारंभ। उत्तराखंड में वनों से धार्मिक अतिक्रमण हटाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त, पहले से चल रही कार्यवाही अब होगी तेज। गर्मियां बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में बड़ी बिजली की किल्लत, गांव में दो घंटे की कटौती, बाजार में 10 रुपए तक पहुंच रहे दाम। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 147 लोग मिले कोरोना संक्रमित, एक मरीज की मौत। उत्तराखंड फूड लैब को मिला नया हॉलमार्क, अब तेल मसालों की मिलावट पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक चली ठंडी हवाएं, मैदान में बारिश, चोटियों पर बर्फबारी से लौटी ठंड। उत्तराखंड के काशीपुर में दो फर्म पर जीएसटी का छापा, 5 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी, 1 करोड़ मौके पर जमा कराएं। उत्तराखंड में दवाई कंपनी के कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत, परिजन ने युवती पर लगाया हत्या का आरोप। उत्तराखंड में कक्षा 1 व 2 के छात्रों को नहीं मिलेगा गृहकार, शिक्षा नीति के तहत बस्ते का बोझ कम करने की योजना। यमन में चैरिटी इवेंट में भगदड़, 85 की मौत, हूती सेना के भीड़ काबू करने के लिए फायरिंग की, घबराए लोगों ने एक दूसरे को कुचल दिया। जर्मनी ने यूक्रेन को दिया पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जेलेंस्की के डिफेंस मिनिस्टर बोले यह बहुत अच्छी खबर, अमेरिका ने वादा निभाया।
थाईलैंड में 21 साल के पांडा की मौत, चीन से लोन पर लिया था। आखिर क्या है ड्रैगन की क्यूट पांडा डिप्लोमेसी? ब्रिटेन में भारतीय छात्रों स्किल्ड वर्कर्स की मांग, सरकार ने 2022 में 28.36 लाख वीजा जारी किए, इनमें से 7.9 लाख भारतीयों के लिए थे। उत्तर कोरिया लॉन्च करेगा पहली स्पाई सैटेलाइट, यूएस साउथ कोरिया के मिलिट्री एक्शन पर नजर रखेगा तानाशाह। यूक्रेन को 32.5 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता देगा अमेरिका, इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल है। भारत की अध्यक्षता में सबसे ज्यादा अफ्रीकी देश में हुए G20 में शामिल, रुचिरा कंबोज ने यूएन में दी जानकारी। श्रीलंका में स्थानीय निकाय चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, इलेक्शन कराने के लिए वित्त विभाग के पास पैसा नहीं। इमरान खान ने पाक सरकार पर किया वार, कहा मुफ्त आटे की आपूर्ति देश के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला। चूहों के आतंक से त्रस्त हो चुके न्यूयॉर्क शहर के लोग, पूरी आबादी को हो सकता है कोविड से खतरा, वैज्ञानिकों के दावा किया है। भारत में काम करने के लिए TCS सबसे अच्छा वर्क प्लेस, लिंक्डइन ने जारी की 25 बेस्ट कंपनियों की लिस्ट, रिलायंस टॉप 4 में शामिल। पीएम मोदी से मिले एप्पल के सीईओ टीम को, कहा भारत में निवेश के लिए कमिटेड, आज एप्पल के दूसरे ऑफिशियल स्टोर की ओपनिंग करेंगे। इंस्टाग्राम ने रोल आउट किया नया फीचर, यूजर्स अब बायो में दिखा सकेंगे 5 लिंक, जाने ऐड करने की क्या है प्रोसेस। गोल्ड लोन मार्केट में बढ़ा कंपटीशन, 19% तक कम ब्याज गोल्ड लोन दे रहे हैं बैंक, महंगे इंटरेस्ट के कारण NBFC का पोर्टफोलियो घटा। मुंबई के बाद एप्पल का दूसरा स्टोर दिल्ली में खुला, सीईओ टीम कुक लोगों से मिले, तस्वीरें भी खिंचवाई, ये स्टोर मुंबई स्टोर की तुलना में छोटा है। '23-24 में $400 अरब पर पहुंच सकता है सेवाओं का निर्यात, SEPC ने जताई उम्मीद। मुंबई में PMLA के तहत दर्ज पहले मामले के सभी आरोपी बरी किए गए, 15 साल पहले ED ने दर्ज किया था केस। भारतीय एयरलाइंस ने बनाया बंपर रिकॉर्ड, 128.93 लाख घरेलू यात्रियों को कराया सफर, इंडिगो की सबसे ज्यादा फ्लाइट्स विस्तार। चुनाव से पहले अरहर उड़द की बढ़ती कीमतों से सरकार परेशान, निफिन केंद्रीय भंडार के जरिए बेचा जा सकता है सस्ता दाल। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, पर अंगोला से भी कम प्रति व्यक्ति आय देश में बढ़ रही है आर्थिक समानता। आठ IPL स्टार खटखटा रहे हैं टीम इंडिया का दरवाजा, रिंकू अब ब्रसेल से बेहतर फिनिशर, बटलर को टक्कर दे रहे हैं ये सिर्फ जायसवाल। IPL में राजस्थान से पहली बार जीता लखनऊ रॉयल्स को, होम ग्राउंड में 10 रन से हराए, मेयर्स की 50 आवेश ने आखिरी ओवर में 19 रन बचाए। राजस्थान रॉयल्स ने खेल मंत्री से मांगी माफी, चांदना से सील कराया था VIP स्टैंड, जयपुर में 4 साल बाद हुआ IPL मैच।
सट्टेबाज ने सिराज से टीम की जानकारी मांगी थी। हैदराबाद के ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले किया फोन, पैसों का लालच दिया। राहुल ने जीत का क्रेडिट गेंदबाज को दिया। राजस्थान रॉयल्स को हराने के बाद बोले, हमने कम रनों में भरपाई बेहतर बॉलिंग से की है। लखनऊ के खिलाफ जीती हुई बाजी गंवाने से बेहद निराश है संजू सैमसन, कहा हार से सीकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी बार पिता बने पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस, पत्नी ने बेटी को दिया जन्म, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी जानकारी। जोस बटलर ने जड़ा 112 मीटर लंबा छक्का, सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ। राजस्थान रॉयल्स पॉइंट टेबल में टॉप पर काबिज। आईपीएल में खेलने वाले अफगानिस्तान के छठे क्रिकेटर बने नऊज उल हक, लखनऊ ने दिया डेब्यू का मौका। दिल्ली कैपिटल्स को लगा एक और बड़ा झटका, चोटिल कमलेश नागरकोटी की बैक इंजरी की वजह से पूरे सीजन से हुए बाहर। फैन के निधन पर छलका शिव ठाकरे का दर्द, बोले कठिन समय में उनके परिवार के साथ हूं, कैंसर से जूझ रहा था शख्स। कैबिनेट ने सिनेमेटोग्राफी बिल को मंजूरी दी, इस बिल के आने से पायरेसी पर लगेगी लगाम, फिल्मों को 3 से अधिक कैटेगरीज में बांटा जा सकेगा। झूमे 70 साल के मिथुन चक्रवर्ती, यूजर्स बोले आपने 80 के दशक की याद दिला दी। इरफान खान की आखिरी फिल्म का ट्रेलर आउट, निधन के 3 साल बाद द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस में आएंगे नजर। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड कास्टिंग पर निशाना साधा, बोली मेरिट के आधार पर फिल्में मिलनी चाहिए, पॉलिटिक्स और ड्रामा देखकर नहीं। पठान के लिए शाहरुख को मिले 200 करोड़, मुनाफे में ली 60% हिस्सेदारी, मेकर्स को हुआ 333 करोड़ का प्रॉफिट। एक साल के हुए काजल अग्रवाल के बेटे नील, हंसिका मोटवानी से लेकर रकुल प्रीत तक कई सेलिब्स ने बर्थडे की बधाइयां दी हैं। नहीं रही यश चोपड़ा की पत्नी पामेला, 85 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस, पामेला ने कई फिल्मों में संगीत दिया है। रियलिटी शो के पूर्व कंटेस्टेंट वरुण डागर ने पुलिस पर लगाए आरोप, कहा मेरे बाल पकड़े, कोहनी और घूसे भी मारे। एस्ट्रो मेंबर मोनबीन का 25 साल की उम्र में निधन, अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए मोनबीन, पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।